नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास विद्यालंकार और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का विषय है खेल शिक्षण विधि। शिक्षण में खेलों को सर्वाधिक महत्व फ्रोबेल ने दिया और खेल विधि की दार्शनिक व्याख्या भी दी। इस विधि के जनक ब्रिटेन के गणितज्ञ कोल्डवेल कुक थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम गणित विषय में खेल विधि का उपयोग किया था। यह विधि सभी आयु के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। दोस्तों, बात करते हैं खेल शिक्षण विधि के गुणों की। खेल शिक्षण विधि में छात्रों में सृजनात्मक कौशलों के साथ साथ जीवन कौशलों जैसे समस्या का समाधान करना, तर्कपूर्ण ढंग से सोचना, संप्रेषण शक्ति, टीम भावना आदि का विकास होता है। इस विधि में छात्रों में स्फूर्ति के साथ साथ शारीरिक विकास भी होता है। यह विधि शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, अधिगम रोचकता, सहजता और ऊर्जा देने वाली होती है। दोस्तों, बात करते हैं खेल शिक्षण विधि के दोषों की। इस विधि से बच्चों में खेल की भावना अधिक विकसित होती है, किंतु उनमें सीखने की दिलचस्पी कम हो जाती है। इसे पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर पर अनुपयोगी समझा जाता है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें जरूर लिखना। और दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि इस विषय की पीडीएफ फॉर्मेट में जानकारी आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक है, वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।